गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो लास्ट वाले पार्ट में आपने देखा था कि मैं बेड पर आके बैठ गई थी इस रस्म के लिए। ये इस रस्म में दोनों देवर को मेरी गोद में बैठना था, तो तेजस काफ़ी शर्मा रहा था, ये आपने लास्ट पार्ट में देख लिया था। तो इस पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी रस्में और खुशियाँ देखने को मिलेंगी जो हम वहाँ पर कर रहे थे। तो तेजस बैठने से इसलिए डर रहा था क्योंकि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था और मैं पतली सी दुबली सी, तो सब बोल रहे थे कि पूरा मत बैठियो, उसे डर लग रहा था बैठने में, मैं कैसे बैठूँगी। तो मैं ये कह रही थी यहाँ पर कि ये जो पैसे मांग रहे हैं, अगर ये मेरी गोद में प्रॉपर बैठेंगे तो ही इन्हें पैसे मिलेंगे। और तेजस को एकदम से जोश आया और वो मेरी गोद में एकदम बैठ गया और सहज कितनी तेज कूद कर हंसा, आप पीछे जाकर देख सकते हो। सो यहाँ पर तेजस उठने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था और जो मेरे हस्बैंड थे वो बोल रहे थे कि उठ जा भाई, नहीं तो हड्डी वड्डी टूट जाएंगी, मेरी एक ही बहू है। तो बहुत ज़्यादा मज़े आ रहे थे, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी उस टाइम। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ बिकॉज इसमें गाना चल रहा है, दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई और मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। दो तीन गाने थे जो उस टाइम चल रहे थे और मैं गाने नहीं लगा सकती थी क्योंकि इस पर फिर कॉपीराइट आ जाता, तो यहाँ पर मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर तेजस मेरी गोद में ही बैठा है और उसने अब पैसों की डिमांड की थी, तो यहाँ पर फुल टू बहस चल रही थी कि मैं पैसे दूंगा और जितने दूंगा तुझे लेने पड़ेंगे। तो तेजस समझ गया था कि ये यहाँ पर मजाक चल रहा है और जितने मैं पैसे मांग रहा हूँ उतने पैसे मुझे नहीं मिलने वाले। तो यहाँ पर खूब खींचातानी हो रही थी कि मुझे, मैं पर्स ही ले लूँगा और मुझे जितने पैसे चाहिए मैं खुद निकालूंगा, आप छोड़ दो। और ये भी महान है, ये देने को तैयार ही नहीं थे। और वो पूरी बहस हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था, गाने चल रहे थे, बच्चे इंजॉय कर रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। आपको बताया, आपने लास्ट वीडियो देखी होगी मेरी, तो उसमें आपको मैंने बताया कॉलोनी के सारे बच्चे आए हुए थे, सब ने डेकोरेशन में हेल्प की थी और यहाँ पर पैसे दे दिए। तेजस ने नहीं लिए क्योंकि उसे पता था कि ये पैसे उसके लिए बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर मजाक चल रहा था, बहुत देर तक बहस होती रही कि मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। और ये भी है कि हम भी खूब इंजॉय कर रहे थे इस टाइम को और तेजस मेरे ऊपर बैठा ही था आराम से, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी और बहुत मज़ा आ रहा था। सारे सामने थे, रानी वीडियो बना रही है, रानी से भी मैं आपको मिलवाऊंगी, रानी कौन है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बहुत खुशी हो रही थी आकर के। और ये सेकंड पार्ट बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है बिकॉज थोड़ी बहुत मुझे प्रॉब्लम्स चल रही हैं कुछ आने जाने की इधर उधर, तो इसलिए मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर रही हूँ। सो ये जो पार्ट सेकंड है इस वीडियो का, और यहाँ पर पैसे मिल चुके हैं लेकिन उतने नहीं मिले जितनी की डिमांड हुई थी। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी तेजस ने ले लिए थे और सहज बेचारा देख रहा है इधर उधर बैठ के आराम से। बारी आती है नेक्स्ट रस्म की, जो थी ये रस्म कि इसमें हमें अंगूठियां जो खेल खेलते हैं, जो कंगना खिलाते हैं वो उसकी। तो यहाँ पर बहुत सुंदर गाना चल रहा था, दुल्हन घर आई, दुल्हन घर आई, बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब काश मैं आपको ये वीडियो ऐसे ही दिखा पाती जैसे शूट हुई थी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा शोर भी हो रहा था और गाने चल रहे थे, तो आप समझ सकते हो मेरी मजबूरी। तो यहाँ पर हमें खेल खिलाया जा रहा था, यहाँ पे पूछा जा रहा था कि एक अंगूठी डाली जाती है या दो, तो फिर एक अंगूठी डाली थी और कौन जीतेगा वो तो आप खुद ही देख लोगे। बहुत मज़ा आ रहा था इस गेम को खेलने में, ये देख सकते हैं आप, पाँच बार किया था ये अंगूठी और पाँच में से तीन बार मैं जीती थी, तो आप देख सकते हो कौन जीतता है कौन नहीं। और इतना मज़ा आ रहा था ना खेलते हुए, मैं बार बार जीत जा रही थी। ये देखो फिर से जीत गई और कितना मज़ा ले रही हैं, कितनी उनको खुशी हो रही है, आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा।
चलिए ले चलते हैं आपको मैम की रसोई में। ये खीरे हैं और ये नई नवेली बहू ये रानी आप एक काम करें प्लीज। और ये है घर की ओनर, जरा गौर से देखिए आप ना, ये निताशी है। आप प्रसाद खा ले जरा सब सारे मिलकर, नहीं तो ये प्रसाद। और ये है मिस्टर डोल, मिस्टर मोटू, और ये भी दिखा दे, ये सहज, ये भी दिखा दे। शाही पनीर इतना शाही है, मेरे फोटो देख कैसी खींची लगी, अच्छी खींची है आपको, अच्छी लग रही है, एक फोटो खींची है मुझे अच्छी लगी। तो घर के ओनर ने बनाया है शाही पनीर, पता नहीं टेस्टी होगा कैसा होगा, ड्रामेबाजी का काम देखिए। ये पूरी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, मैंने पनीर का टुकड़ा रखा था उसने खाया तो नहीं। लगाएंगे बहुरानी मेहंदी दिखाओ, बहुरानी मेहंदी दिखाओ, रुखे भी चिमटा नहीं। तो खाना बनाने के बाद मैं तो आ गई थी बाहर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी अपनी वीडियो शूट करानी थी इंस्टाग्राम के लिए और स्टोरी डालने के लिए। तो मैं यहाँ पर आ गई थी बाहर और ये मेरा स्लो मोशन में यहाँ पर मेरी वीडियो बना रहे हैं, बाकी सारे अंदर लगे हुए हैं खाना लगा रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बाहर अपनी वीडियो शूट कराने आ गई थी। तो आप देख सकते हो उस दिन मौसम संडे का दिन था और मौसम इतना प्यारा, इतना खूबसूरत मौसम था, मैं आपको बता नहीं सकती। हवा चल रही थी, धूप बिल्कुल भी नहीं थी और इतनी अच्छी फ़ोटोज और वीडियोज बन रही थी ना। तो मैं बाहर आ गई थी और मैंने इससे अपनी वीडियोज़ यहाँ पर शूट कराई और बहुत अच्छी फ़ोटोज वीडियोज़ आ रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर खाना अंदर लग चुका था, आप देख सकते हो हम सब अब बैठ करके खाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखना, उस पर बहुत कुछ मैंने आपको अभी शेयर किया है।